हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्याज ले लिया। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 kg हमने प्याज लिया था। अब हमने यहाँ पे लिया है लहसुन, अदरक का टुकड़ा और 2 टमाटर। यहाँ पे हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तड़के के लिए हमने लिया है जीरा, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च। अब हम यहाँ पे खड़े मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हम फ्रेंड्स खड़े मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है फ्रेंड्स चिकन मसाला, 2 पैकेट गरम मसाला। बर्तन गरम हो गया है, अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें सबसे पहले हम तड़का ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम तड़के को ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे फ्रेंड। यहाँ पे हमने 1 kg चिकन लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं, एक बार ऐसे आप ट्राई बना के ज़रूर करिएगा। ये हम 4 से 5 लोग के लिए बना रहे हैं। चिकन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, खड़े मसाले का पेस्ट ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को भून लेंगे अच्छे से चिकन के साथ। अब हम इसको ढक के पका लेंगे। अभी पक रहा है फ्रेंड्स, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो पकड़ लेगा नीचे से। और पकाएंगे। फाइनली अब ये पक चुका है फ्रेंड। अब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। इसमें हम पानी नहीं यूज किया है, सूखा ही बनाए हैं। अब आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही यम्मी बनके तैयार हुआ है। इसे हम खाने के लिए सर्व कर देंगे। अब हम इसे खाने के लिए सर्व कर दिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कितने अच्छे से ये पक चुका है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा हुआ है गाइज। थैंक यू ऑल।